नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हमारी खास पेशकश में बड़ी बहस में आपका स्वागत है। सूबे में जल्द होने वाले निकाय चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और कहा जाए तो पूरा का पूरा बसपा विधायक दल कांग्रेस में शामिल हो गया है और बीएसपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को विलय पत्र भी सौंप दिया। बीएसपी विधायकों का कहना है कि सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबले के लिए कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला उन्होंने लिया है और प्रदेश में ही जल्द निकाय और पंचायत दोनों के चुनाव होने हैं। इससे पहले बीएसपी के सभी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होना बीएसपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है और इधर बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से गहलोत सरकार और ज्यादा मजबूत हो गई है और 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 99 सीटें मिली थी जबकि बीजेपी को 73 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन पूर्ण बहुमत से एक सीट कम रह गई थी। कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलीय विधायकों की मदद से अपनी सरकार बनाई और अब बीएसपी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सरकार अपने दम पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन चुकी है। इस बीच सवाल उठते हैं कि बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के आखिर मायने क्या है, क्या इस विलय से सीएम गहलोत का कद और ज्यादा मजबूत हो गया है, इस विलय से निकाय चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलने वाला है और राजस्थान में बीएसपी अपने आप को फिर से कैसे मजबूत करेगी, सवाल ये भी है। इसके अलावा भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। और आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं बीएसपी के इन 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो बयान सामने आए, एक बार उनको सुनिए। मायावती जी ने जो कहा है मैं समझता हूँ कि उनका ऐसा रिएक्शन होना स्वाभाविक है, परंतु ये भी उनको सोचना चाहिए कि जब उनकी पार्टी सरकार तो है नहीं, ना बनने की संभावना है और अगर विधायकों ने यहाँ की स्थिति देखी राजस्थान की और क्षेत्र के लोगों की भावनाएं देखी कि हमें काम करवाने हैं, विकास करवाना है और सरकार के साथ जुड़ के ही करवा सकते हैं और सरकार विस्तार बनानी चाहिए, ये सोच करके उन्होंने फैसला किया। हमने कोई दबाव नहीं दिया उनके ऊपर, उसके बावजूद फैसला होना ये स्वाभाविक फैसला, तो मायावती जी को समझना पड़ेगा ये कोई सरकार में बैठे हुए लोगों ने कोई मैनेज नहीं किया है, कोई प्रलोभन नहीं दिया है और ये हमारे प्रदेश की खूबी है, हमने कभी हॉस्टेडिंग नहीं करी लाइफ के अंदर, कोई भी पहले भी हम लोग सरकार में थे तब भी बीएसपी के 6 लोग ज्वाइन किए थे, आज तक इतिहास में हमने कभी किसी को प्रलोभन नहीं दिया है, कम बातें किया और यही हमारे विधायक दूसरे राज्य में होते तो मैं समझता हूँ कि बड़ी रूप में हॉस्टेडिंग होती, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता। जैसे आज वो मध्य प्रदेश को सरकार को तोड़ने के लिए 15-15, 20-20 करोड़ रुपये 25 करोड़ रुपये ऑफर कर रहे हैं, जो हम सुनते हैं तो आश्चर्य होता है ये पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास में, हमारे यहाँ 1 रुपये का सौदा नहीं होता है, दिल से साथ देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी खूबी है। तो मायावती जी को समझना पड़ेगा ये कोई हॉस्टेलिंग तो ही नहीं है और मायावती जी को जब कभी अलायंस हुआ है देश के अंदर सब पार्टियों के साथ में तो हम तो उन लोगों में हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की भावना समझते हुए हमने तो हमेशा मायावती जी के साथ खड़े मिले हैं उनको, ये वो खुद जानती है मेरे बारे में। ये देखिए यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मायावती जी कभी राज्य में सरकार कांग्रेस सहयोग से बनाई थी कि कांग्रेस की सरकार को और मजबूती मिली है और जो 6 विधायकों ने एक रिक्वेस्ट की है स्पीकर साहब को कि वो कांग्रेस में विलय होना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, सरकार के काम को विधायकों ने पसंद किया है और अपने क्षेत्र में और अधिक गति से विकास के काम हो सकें, इस दृष्टिकोण को लेकर उन्होंने कांग्रेस में विलय करने का एक प्रस्ताव स्पीकर साहब को दिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी विधायकों ने बिना किसी लोभ लालच के कांग्रेस में शामिल होने की बात को रखा है, तो जनता, कार्यकर्ता और आम जन के प्रति उनकी जो भावना है वो सामने आई है। और ये देखिए अब ऑफिशियली हम लोग पत्र दे चुके हैं, बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं उनका क्या कहना है तो आप परिवादी परिचित हैं, लेकिन हम लोग दे चुके हैं सभी 6 के 6 विधायक। हम अभी माननीय सीपी जोशी साहब से मिल गए हैं, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और हमारा जो अपना काम था और बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने थी। एक तरफ हम कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनसे अपने क्षेत्र के विकास के कार्य करा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं के खिलाफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें थी उनको बहुत गंभीरता से हमने लिया
और अब आगामी जो पंचायत के चुनाव है उनको भी बहुत गहराई से हम लोगों ने, सभी साथियों ने विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद में, क्योंकि अब पंचायत के चुनाव है, वहाँ भी हमें सामने लड़ना पड़ता कांग्रेस पार्टी से जिसको हमने समर्थन दे रखा है, तो बड़ी ख़राब परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाती और क्षेत्र के विकास को, प्रदेश के हित को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया। राजस्थान से सांप्रदायिक शक्तियों को मुकाबला करने के लिए और इस प्रदेश की 36 को उनके हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, सरकार के इस अस्तित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हमने ये फैसला लिया। और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जो 36 को उनके नेता हैं और सही मायने में इस राजस्थान के लिए उनसे बढ़िया दूसरा नेतृत्व तो हो ही नहीं सकता। ये व्यक्तिगत सारे विधायकों का फैसला है। और एक बार समझिए इन छह विधायकों के नाम, कौन कौन से छह विधायक हैं जो बसपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दीपचंद खेरिया विधायक हैं किशनगढ़वास से और अब कांग्रेस के पंजे को थाम चुके हैं। संदीप यादव विधायक तिजारा। अब इसके अलावा एक और नाम लाखन सिंह मीणा का, करौली से विधायक है और अब कांग्रेसी हो चुके हैं। इसके अलावा युवा विधायक वाजिब अली विधायक नगर से है ये और अब कांग्रेस का दामन थाम चुके, कांग्रेस के पाली में आ चुके। जोगेंद्र सिंह अवाना नदबई से विधायक हैं और इसके अलावा राजेंद्र गुढ़ा विधायक उदयपुर वाटी। तो ये छह विधायक अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और बड़ी बहस के बड़े सवाल समझिए कि आखिर सवाल क्या उठते हैं, बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के आखिर मायने क्या है, क्या इस विलय से गहलोत का कद और मजबूत हुआ है, ऐसे बड़े सवाल हैं। जादूगर का दांव कितना फायदेमंद होगा आने वाली सियासत में, इस विलय से निकाय चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलने वाला है और राजस्थान में बीएसपी अपने आप को फिर से मजबूत आखिर कैसे करेगी, ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आपको बता दें कि जोगेश्वर गर्ग जी बीजेपी विधायक, इसके साथ ही और ये बड़ी बड़े के बड़े सवाल। तो जादूगर का दांव कितना मजबूत है और कितना फायदेमंद है, जी दोस्तों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जोगेश्वर गर्ग जी, बीजेपी के विधायक, भंवर सिंह जी माकपा के नेता हैं और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजीत मेंदोला जी भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी पहला सवाल आपसे ही, क्या मायने निकलते हैं, छह विधायक यानी कि पूरी की बीएसपी अब कांग्रेसी हो चुकी है राजस्थान में, क्योंकि जो हालात राजस्थान में थे कि वहां पर सरकार के पास बहुत ज्यादा बहुमत नहीं था, 100 का आंकड़ा था और 12 निर्दलीय विधायक उनको समर्थन दे रहे थे। अब ये जो विलय हुआ है, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस सूझबूझ से इन छह बहुजन समाज पार्टी के जो एमएलए हैं इनको शामिल कराया, इससे पार्टी को एक तो मजबूती मिल गई है, 106 सीटें हो गई, बहुमत से ज़्यादा हो गया है कांग्रेस का वहाँ पर एक तरीके से शासन में, अब जो संख्या है विधायकों की, और 12 निर्दलीय हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि 118 करीब 118-120 लोग कांग्रेस के पास हैं। तो इसका मतलब ये कांग्रेस अब बहुत अच्छी मजबूती से वहाँ पर सरकार चला पाएगी। और देखिए क्या है कि कांग्रेस के लिए ये इसलिए अब जो भी आरोप लगे, लेकिन ये देखा जाए जो बीजेपी जिस तरीके से पूरे देश में राजनीति कर रही थी, दल बदल करवा के, गोवा इसका बड़ा उदाहरण है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य इसके बड़े उदाहरण हैं, तो उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए जरूरी था कि वो किसी तरीके से बीजेपी अगर कोई दांव खेले उससे पहले वो अपना काम पूरा कर लें। मध्य प्रदेश में भी स्थिति किसी से छिपी नहीं है, आए दिन वहाँ पे सरकार गिराने की बातें होती रहती हैं, और हालांकि वहाँ पे भी कांग्रेस ने कमलनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, दो विधायकों को उन्होंने बीजेपी के उन पर सेंध लगाई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा सकते में आ गई उसके बाद। और अब जो बीजेपी अभी जिस हिसाब से राजनीति कर रही थी, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा अंकुश लगा है मध्य प्रदेश की घटना के बाद। और आज कल जिस तरीके से बीएसपी के छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, देखिए इससे दो चीजें हैं, एक तो जो कांग्रेस को लेकर सवाल उठ रहे थे भाई कांग्रेस में अब ज्यादा लोगों का रुझान नहीं रह गया, नेता बीजेपी की तरफ ज्यादा लालयित हो रहे हैं और बीजेपी में ज़्यादा जा रहे हैं, कांग्रेस के उसको लेकर सवाल उठ रहे थे भाई कांग्रेस कितनी चलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो निश्चित तौर पर ये कल जो घटना हुई है राजस्थान में, इससे कांग्रेस
के प्रति लोगों में एक मजबूती मिली है कांग्रेस को, और कांग्रेस के प्रति जो कार्यकर्ताओं में जो निराशा थी उसमें एक थोड़ी सी उम्मीद की किरणें जगी होंगी कि भाई हमारी पार्टी ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी के प्रति अब लोगों में निराशा का भाव है, लेकिन अब इससे आशा का भाव परिवर्तित होगा, लोगों में एक उम्मीद जगेगी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। और निश्चित तौर पर राजस्थान में सरकार को मजबूती मिलने से सरकार भी कामकाज ढंग से कर पाई। जो कर्नाटक में बैकफुट पर कांग्रेस दिखी थी मध्य प्रदेश में दो विधायकों को तोड़ने के बाद और राजस्थान में छह विधायकों को शामिल कराने के बाद एक कांग्रेस पॉजिटिविटी आ गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी, नेता में भी। वरना अभी तक हो ये रहा था कि बीजेपी ही दांव खेल रही थी जहां चाहती। अजी जी एक छोटा सवाल फिर मैं बाकी खास मेहमानों पर, जो केंद्रीय आलाकमान है कांग्रेस का उसका रोल मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं था, सीएम कमलनाथ ने वहां पर अपने दांव से सारी चीजें की थी, राजस्थान में कितना कारगर रहा है, क्या केंद्रीय आलाकमान की इसमें कोई हस्तक्षेप या मदद रही है? नहीं, देखिए क्या होता है, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कैसे वो सरकार को मजबूती प्रदान करे और कैसे सरकार चलाए, और ये सब चीजें बड़े टॉप सीक्रेट मिशन के तहत होती हैं। इसमें आला कमान को भी थोड़ी सी हिंट दे दी जाती है, लेकिन जो देश के हालात हैं आज कांग्रेस जिस स्थिति में आ गई है उस स्थिति में कांग्रेस के आला कमान की निश्चित तौर पर कांग्रेस आला कमान इस मामले से खुश हुआ होगा। और देखिए पार्टी में मजबूती आना बहुत बड़ी बात है जब ऐसे समय पे कि जब लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हों, पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि वहां पे लगातार लोग दूसरी पार्टियों से छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये कल वहां पर घटनाक्रम हुआ है इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को भी भरोसा आएगा अपने मुख्यमंत्री पर, कांग्रेस आलाकमान अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा बढ़ेगा, और वो एक जैसे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने एक बड़ा दांव खेला और बीजेपी को चित करा, और यहाँ पर आपने सुना होगा कि अशोक गहलोत कह भी रहे थे कि भाई ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति बीजेपी कर रही है जगह जगह, और मायावती को समझना, देखिए अब क्या है मायावती को समझना होगा, देश से रीजनल पार्टियों का धीरे धीरे सफाया हो रहा है, और बीच जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है उसकी रणनीति भी यही है कि रीजनल पार्टियों को धीरे धीरे उनको एक तरीके से सिमटा जाए, क्योंकि जब से 90 के दशक के बाद जिस तरह से रीजनल पार्टियों का जन्म हुआ जात पात के उस पर, और एक जो गठबंधन की सरकारों का दौर, खास करके जब वो 77 का दौर शुरू हुआ जनता 89 के बाद, 89-90 के बाद ज्यादा जोर पकड़ा वीपी सिंह की सरकार से, हाँ उसके बाद देखो ना कभी कोई बहुमत की सरकार नहीं बनी, बहुमत की सरकार अब 2014 में जाके बनी, जब बहुमत की सरकार नहीं होती है तो उसमें क्या होता है घपले घोटाले ज्यादा हुए, सबने अपने हिसाब से राजनीति करी, लेकिन एक देश हित में मेरा मानना है कि अगर रीजनल पार्टियां समाप्त होती हैं और दो बड़े राष्ट्रीय दल आमने सामने रहते हैं तो उससे देश को मजबूती मिलती है। इससे बीजेपी के मनोबल पर कितना फर्क पड़ेगा, जोगेश्वर जी से जवाब लेते हैं। जोगेश्वर जी, जो छह विधायक बसपा के अब कांग्रेसी हो चुके हैं, बीजेपी के लिए क्या कोई फर्क पड़ने वाला है प्रदेश की स्थिति में, मनोबल में या फिर किसी तरीके से? बीजेपी को इससे क्या फर्क पड़ना है, वो पहले हमारे नहीं थे, हमारे गए हो तो हमको चिंता हो। दूसरी बात, गहलोत जी ने जो कहा कि भाई ये राज्य के हित में बहुत सारा, ये सब फालतू की बातें हैं, दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता थी, कांग्रेस को इनकी आवश्यकता थी, इन लोगों को सत्ता की आवश्यकता थी, सत्ता के लोभ में गए हैं, मंत्री बनने के लोभ में ये लोग गए हैं, और इसी लोभ में इसी आज की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए राजेंद्र गुड़ा साहब ने सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी को गालियां बोली थी कि, और आरोप लगाए थे कि हमसे पैसे लिए जाते टिकट देने के बदले, तो ऐसे लोग तो यही करने वाले होते हैं। और जो एकदम त्यागी तपस्वी वाली जो बात कर रहे हैं गहलोत साहब, ये तो अभी नवरात्रि में पता लग जाएगा, इनमें से दो एक मंत्री बन जाएंगे, बाकी दो तीन एक संसदीय सचिव बन जाएंगे, तो पता चल जाएगा क्या हिसाब किताब हुआ, क्या लेन देन हुआ, सब सामने आ जाएगा। कांग्रेस ने सीखा तो बीजेपी से, तो गोवा में आए, गुजरात में आए, कर्नाटक में सरकार गिर गई, तो ये सारी कांग्रेस ने बीजेपी से सीखा है। कांग्रेस सत्तर साल से ये कर रही है, और कांग्रेस के नेता तो जेल गए हैं, सांसदों को घूस देने के मामले में प्रमाणित हुए, जेल गए हैं, बूटा सिंह जैसे कद्दावर नेता को जेल रहा आपसे, तो योगेश्वर जी क्या आप भी 70 साल की रिवायत कांग्रेस ने बना रखी है? योगेश्वर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने गलत काम किया हम भी करें? नहीं, हमने कब कहा, ये आप यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 56 साल ऐसा किया,
आपने कब कहा ये सवाल ही नहीं, आप ही ने कहा भी उन्होंने कांग्रेस ने 56 साल लिया। ये कह रहे हैं कि बीजेपी से कांग्रेस सीख रही, ऐसा इन्होंने बोला, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए गोवा कांग्रेस ने सारी सारी पार्टियों को सिखाया, ये एक विधायक नहीं था, बीजेपी की सरकार बनी थी वहां पर। गोवा गुजरात नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए क्या करा बीजेपी ने। सवाल वही है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी क्या, गोवा की बात अलग है, वहाँ हुआ होगा कुछ, मैं नहीं जानता गोवा के बारे में। नहीं नहीं, आपको देखिए आप पर अब ये जो आप कह रहे हैं, अब जो ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी के मास्टर स्ट्रोक है, और मैं कह रहा हूँ कि और बीजेपी के लिए कह रहे हैं बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के, बीजेपी का तो अभी तक हमने न कोई प्रयास किया है, न अभी करने की कोई योजना है, और समय बताएगा क्या होगा, कैसे होगा, कितने दिन रहेगा। आप दोनों से मैं रिएक्शन लूं, उससे पहले बीएसपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले विधायक जोगिंदर सिंह अवाना इंडिया न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। अवाना साहब, आपका बहुत स्वागत है। और सर, पहला सवाल यही कि आखिर मकसद क्या था, कांग्रेस में क्यों गए, बीएसपी छोड़नी क्यों पड़ी? इसके पीछे कई वजह थी और बड़ी वजह थी। एक तरफ हम लोग कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट लड़ा रहे हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में लड़ा, तो बड़ी असमंजस की सी स्थिति थी क्षेत्र में, और सभी साथियों ने विचार विमर्श किया। फिर इस सारे मुद्दे को लेके हम लोग जो प्रदेश का नेतृत्व है, वहाँ प्रदेश कार्यालय में हम अभी एक सप्ताह पूर्व मिले, वहाँ हम लोगों ने जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं उनके समक्ष सारी बातें रखी और बड़े विस्तार से चर्चा हमने उनसे की, और हमने कहा कि माननीय बहन जी से आप बात करो, एक बार मुलाकात हमारी भी कराओ, आप भी बात करो, और जो आगामी निकाय के और पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें कम से कम हम मिलके लड़ सकें। जैसे हम 6 विधायक हैं तो हमारी 6 की 6 जो विधानसभा थी, हम लोगों ने ये सुझाव रखा था। श्याम सुंदर साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, राजस्थान की सियासत में एक बड़ा उलटफेर इसे कह सकते हैं, 6 विधायक बीएसपी के शामिल हुए और सरकार और मजबूत होती जा रही, जिसका जिक्र हमने किया कि कर्नाटक में बीजेपी ने एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया था, लेकिन अब पहले मध्य प्रदेश में और फिर राजस्थान में, हालांकि राजस्थान में बीजेपी को प्रत्यक्ष झटका नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इस सरकार को खुद को मजबूत करने की कोशिश मुकम्मल साफ दिख रही है। बदलाव की स्थिति आज से नहीं दिख रही थी, ये तो क्योंकि जब राहुल गांधी राजस्थान जयपुर में आए थे और रामलीला मैदान में जो आम सभा हो रही थी वहां पे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन तो किया ही था, छह विधायक ने कहा कि हम कांग्रेस का दामन संभालना चाहते हैं। और अभी पिछले दिनों जब राजस्थान विधानसभा में प्रबोधन वाला जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें राजेंद्र गुड़ा ने तो साफ तौर पर कह ही दिया था कि मैं तो टिकट खरीद करके आया हूँ और बहुत सारी चीजें सामने आई थी। ये तो राजेंद्र गुड़ा पहली बार तो आए नहीं है बीएसपी छोड़ करके, इससे पहले भी जब गहलोत सरकार थी तो ये छोड़ करके बीएसपी को आए थे, फिर दोबारा बीएसपी ने किस विश्वास से इनको टिकट दिया और अपना विधायक बनाया। अब आवाना जी का मैं सुन रहा था, आवाना जी क्योंकि यहाँ के है ही नहीं, वो तो गाजियाबाद से आकर के चुनाव लड़वा दिया बहन जी ने, उसके बाद कह रहे हैं कि हम छोड़ करके आ गए। अब आप देखिएगा कि ये लोग ये कह रहे हैं कि हम अशोक गहलोत के को नेता मानते हैं और प्रदेश के विकास के लिए हम और स्थायी सरकार के लिए हम कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ऐसी क्या स्थिति हो गई? आप तो क्योंकि बाहर से समर्थन दे ही रहे थे, आपको निस्वार्थ भाव से काम कर ही रहे थे, तो ऐसी कांग्रेस में ही जाने की स्थिति क्यों बनी? क्योंकि कांग्रेस के लोगों को तो हरा करके आप आए हो जी, आपने जब चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया था, अब आप देखिए निस्वार्थ भाव से नहीं आए हैं, स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए आप निश्चित रूप से कांग्रेस में शामिल हुए, चाहे भले ही कुछ भी कहो, रात को 10:30 बजे विधानसभा खोली जाती है, क्या उनका खुद का स्वार्थ या कोई लालच दिया गया था, इसी पर जवाब लेते हैं। अवानी साहब, क्या आपको कोई लालच या फिर मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया था, जो लगातार बातें सामने आ रही है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, इस तरह की जिस तरह का आरोप समझता हूं मैं आप जो लगा रहे हैं, आपकी संज्ञान में आया होगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम किसी भी कंडीशन के तहत कांग्रेस में नहीं आए, हम लोग केवल और केवल आज देश के जो हालात हैं उसको देखते हुए, आज प्रदेश के हित में जो हालात हम उचित समझते हैं कि कांग्रेस प्रदेश के हित में अच्छा काम कर रही है, हर वर्ग के लिए अच्छा काम कर रही है, या हमारी जो अपना क्षेत्र है उस क्षेत्र के हित में जो कार्य हो रहे हैं
उस सब चीज को देखते हुए और कि एक स्थायी और एक मजबूत सरकार रहे, उस सारी चीजों को बड़ा गंभीरता से विचार करने के बाद में हम सभी छह के छह साथ चलिए श्याम सुंदर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी श्याम सुंदर जी, ठीक है श्याम सुंदर जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन भंवर सिंह जी आपसे सवाल, जो क्षेत्रीय पार्टियां उनका वजूद खत्म होता दिख रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी कहां इस वक्त? नहीं, जैसा अंदोला जी बोल रहे हैं ऐसा देश में कभी होना नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी अपना अपना अस्तित्व है और वो बना रहेगा इस प्रदेश में अंदर। आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ राजस्थान में, बसपा के छह विधायक गहलोत के पूर्व टाइम में भी गए और रणवीर सिंह जैसा अभी आपको बता रहे हैं, रणवीर सिंह हुड्डा बीएसपी से फिर सिंह जी आप अपने वाले विधायक को संभाल के रखना, कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक भी जाने वाले। तो ये जो रणवीर सिंह हुड्डा है पहले भी गए थे और वो ओपन रूप से बोलते हैं कि मायावती टिकट देने का पैसा लेती है और टिकट देती है। अगर इन्होंने पहले पार्टी छोड़ी थी छह विधायकों ने पिछली बार जब गहलोत सरकार थी, तो ये जब तक होता रहेगा देश में जब तक ये दल बदल कानून सख्त नहीं होगा, ये सत्ता करते रहेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कर्नाटक में तमाशा हुआ है, आपने गोवा में देखा, आपने मणिपुर में देख रहे हैं जहां दो सीट नहीं आ रही है, मेघालय में देख रहे हैं जहां इनका नाम लेने वाला नहीं, वहां इनकी सरकारें बन रही है, एक भी विधायक इनका जीत के नहीं आया, वहां बीजेपी की सरकार बन जाती है। सब क्या खेल है, ये सब हॉर्स ट्रेडिंग है। ये तब तक देश में होता रहेगा जब तक कि कोई भी विधायक, जब तक अगर वो जीत के आगे अगर पार्टी बदलता है तो उसकी तुरंत सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। तब तक ही होता रहेगा जब तक उस दिन तक ये कानून नहीं बनेगा कि अगर कोई भी पार्टी किसी दूसरे दल को समर्थन देगा या वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा तो उस दिन उसकी सदस्यता विधानसभा से समाप्त हो जाएगी और वो चुनाव लड़के ही आ सकता वापस। तब तक ये दल बदल होता रहेगा और ये हॉर्स ट्रेडिंग चलती सरकार में वीपी सिंह थे, माओ का वो दौर आ गया। अजीत जी मेरा सवाल आपसे है, सीधा असर मध्य प्रदेश पर पड़ने वाला है, हालांकि राजस्थान में सरकार मजबूत है, मेजोरिटी है, मध्य प्रदेश में सरकार के लिए दिक्कत है। वहां पर एक बीएसपी के विधायक का है रामबाई सिंह, सख्त तेवर अख्तियार करती है हर बार, वहां पर असर पड़ेगा का मायावती के जो तलखियां लिखी है? देखिए मायावती जी अब इस सब का जो राजनीति कर रही है उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है, कोई कैसे पशुपेश में फंस गई है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करा और बड़ी बड़ी बातें की और फिर गठबंधन खुद ही तोड़ दिया। अब वहाँ पर उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल में देखिए क्या है कि 2014 के बाद से लगातार राजनीति देश की बदल रही है। एक दौर मैं कह रहा हूँ ना कि 90 के दशक के बाद एक दौर इस देश में आया कि जब गठबंधन की सरकारें रीजनल पार्टियों का बोलबाला था, वो जिसको चाहती थी पीएम बना देती थी, मुख्यमंत्री बना देती थी, सरकार गिरती भी थी, सरकारें गिरती थी और कई तरह के इतने भ्रष्टाचार के मामले उससे पहले कभी नहीं हुए जितने दो ढाई दशकों में हुए हैं या तीन दशक में। बहुत सारे सूटकेस खुले, हाँ कई सारे मामले आए, आपने पार्लियामेंट के अंदर भी देखा होगा, पार्लियामेंट के बाहर भी देखा होगा, लेन देन के तमाम तरह की चीजें, स्टिंग ऑपरेशन सामने आए। मेरा कहने का मतलब है कि अब वो दौर अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है और ये देश के लिए अच्छा है। अब मायावती जी की प्रॉब्लम क्या है कि मायावती ये समझ रही हैं कि अभी भी उनका जो जनाधार है देश में, जो वोट बैंक है वो बना हुआ है। 19 के चुनाव ने और 2017 के जो विधानसभा उत्तर प्रदेश का हुआ था उसने और उसके बाद ये लोकसभा के चुनाव ने दो चीजें साफ की हैं। एक तो ये कि गठबंधन की सरकारें, ये रीजनल पार्टियां अब नहीं चलेंगी, नंबर एक। नंबर दो बात, जो जात पात की राजनीति थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है। हालांकि अभी भी कांग्रेस जात पात की राजनीति से अपने को अलग नहीं कर पा रही है, बीजेपी भी उसमें कहीं ना कहीं अभी उलझी हुई है, वो लोग अभी भी थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग वगैरह में कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह नरेंद्र मोदी ने ये चीजें खत्म करी हैं। अब मायावती के पास बहुत विकल्प रह नहीं गए हैं, अब वो उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी वो कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, राजस्थान में भी समर्थन दे रही थी, अभी हरियाणा में आपने देखा होगा कि हरियाणा में उन्होंने दो तीन दलों से गठबंधन की बात की, फिर कांग्रेस के साथ भी शायद बात चली लेकिन कहीं बात बनी नहीं। तो मायावती को लेकर कांग्रेस के लोग खुलकर तो नहीं, लेकिन एक आशंका व्यक्त करते हैं कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं। अब वो मैं नहीं जानता कि कैसे खेल रही हैं, क्या खेल रही हैं, लेकिन अब आने वाला टाइम मायावती का और मुश्किल भरा हो सकता है अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और इसके बाद निश्चित तौर पर जो उनकी पार्टी के और मेंबर कहीं बचे हैं वो अपने लिए एक सुरक्षित स्थान तलाशेंगे।
तो जो पार्टी सत्ता में होती है जिस स्टेट में, तो निश्चित तौर पर वो उनके लिए सबसे सुरक्षित होता है कि भाई अभी हम सत्ताधारी पार्टी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सा उनका महत्व बना रहेगा। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी जो एकमात्र विधायिका हैं उनकी कल वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, तो वहाँ पर भी निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि क्या बीएसपी के विधायकों का उनके सुप्रीमो में सवाल है। जोगिंदर सिंह अवाना जी से हमारा फिर से संपर्क हो गया। सर, आपसे सवाल यही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती में क्या आपका विश्वास नहीं रहा, क्या ऐसी बातें रही कि खुलकर आपने विरोध किया और कांग्रेस का दामन आपने अब थामा है? दो चीजें हैं। आज उसी सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं जी, उसी सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उसी सरकार से हम काम भी ले रहे हैं। इस पे तो सोचना पड़ेगा ना भाई साहब। एक तरफ तो हम सारे काम करा रहे हैं, देश जब से आजाद हुआ है, जब से लंबे टाइम से मेरी खुद की विधानसभा जो नदवई है उसका जो उज्जैन तहसील है उसमें लंबे समय से, देश आजादी के समय से डिग्री कॉलेज की मांग चली आ रही थी। जो हमारी बच्चियां हैं छोटी छोटी 12वीं क्लास पास करती हैं, वो 35-40 किलोमीटर दूर कॉलेज नहीं जा सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पहले बजट में, श्री अशोक गहलोत साहब ने पहले बजट में मेरी विधानसभा के उज्जैन में डिग्री कॉलेज दिया, पंचायत समिति प्रस्तावित है। बड़े बड़े काम जिनको हम कभी भी किसी भी मंत्री के पास गए तो किसी ने इग्नोर नहीं किया। 3 करोड़ रुपए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे अभी दिए हैं समसा के तहत मेरी विधानसभा में स्कूलों के लिए। तो ये एक बड़ी चीज है, बड़ी बात है कि एक तरफ तो हम सबके काम हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, जो चीज हम चाहते हैं क्षेत्र के हित में वो हो रही है, और वहीं हम उसी से लड़े हैं। तो हम लोगों ने फिर ये उचित समझा कि एक बार हम अपने नेतृत्व है प्रदेश का और राष्ट्रीय उसको अवगत कराएं। साहब, एक और सवाल ये भी बनता है कि आपने अशोक गहलोत साहब को समर्थन दिया था या फिर कांग्रेस सरकार को दिया था, ये सवाल बनता है और जनता के जहन में सवाल उठ रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, आप जानते हैं। माननीय अशोक गहलोत साहब इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं को हमारी पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने समर्थन दिया था। तो स्वाभाविक है, जब मुख्यमंत्री जी हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने ज्वाइन किया है और उन्हीं से सब चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ कि वो विकास पुरुष हैं, जितने काम हम साथी सब बोलते हैं, जो जो काम हम बोलते हैं सारे काम होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का नेतृत्व और इतने अच्छे लोग जिनकी इतनी अच्छी सोच कार्य को लेके या सारी चीजों को लेके, और हमें, हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें वहाँ उस पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ साफ तौर पे, अभी हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमाम जगह चुनाव है, हम साथियों की जहाँ जहाँ जो जो जिम्मेदारी लगेगी। ठीक है, ठीक है। शेर, आपकी आवाज रुक कर आ रही, थोड़ी तकनीकी खामी की वजह से, माफी चाहूंगा आपसे। जोगेश्वर जी, बीजेपी के लिए क्या ये पहलू खुलता है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में इसी तरह की सियासत देखिए और अब राजस्थान में भी कांग्रेस बैकफायर कर रही है। देखिए, कांग्रेस की सरकार चाहे मध्य प्रदेश में है चाहे राजस्थान में है, असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है और बीजेपी से भयंकर रूप से आतंकित है। जबकि राजस्थान में तो कहीं अभी तक कोई ऐसी बात ही नहीं है कि उनको कोई खतरा महसूस हो, लेकिन फिर भी वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये उनकी अपनी समस्या है, कांग्रेस बसपा की अपनी समस्या है। वो पैसा लेकर टिकट देते हैं तो फिर पैसा लेकर जो टिकट लेकर आएगा और इसका कोई उनका कंट्रोल उन पे रहता नहीं है, बेलगाम वो घोड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरा बीजेपी को कोई खतरा नहीं, बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, कहीं भी नहीं, बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न उन दलित मतदाताओं से है जो ऐसे दल बदलू लोगों को बीएसपी के नाम पर वोट दे देते हैं। उनको सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट देना कि नहीं देना भविष्य में। ये दो बार हो गया, लगातार दो बार हो गया, धोखा बीएसपी के साथ नहीं हो रहा है, धोखा उन मतदाताओं के साथ हो रहा है जिन्होंने बीएसपी के नाम पर वोट दे दिया। उनका क्या होगा, उनकी चिंता मुझे लग रही है। उनको विचार करना चाहिए कि ऐसे दल बदलू लोगों को भविष्य में वापस वोट देना कि नहीं देना, ये चिंता उनको जरूर करनी चाहिए। जोगेश्वर जी, आप अपने आला कमान को कहेंगे कि दिल्ली में जैसे राज्यसभा में उन्होंने अभी बीएसपी के राज्यसभा सांसद लिए हैं समाजवादी पार्टी के लिए, उनको आपने कभी इस बात को कहेंगे कि उनको नहीं लेना चाहिए दल बदल वालों को? अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा में बहुमत पूरा करने के लिए कई उन्होंने समर्थन लिया, एक मुद्दे पर समर्थन नहीं लिया, आपने दल बदल करवा के उनको टिकट दे दिया। राष्ट्रीय मुद्दा था, आपको जानकारी मैं बताऊं, ये आपने दल बदल कराया, उनसे इस्तीफा दिलवाया, इस्तीफा दिलवा के उनको दोबारा टिकट दे दिया। आपके विधायक
आपके समाज राज्यसभा के जो एमपी थे उन्होंने इस्तीफा दिया पद से, उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दिया और जीत कर आए। ये भी करते अरे आप ये भी करते, कांग्रेस का टिकट लेकर जीत कर आते। आपने संख्या बल बढ़ाने के लिए, विपक्ष का आरोप है आपने संख्या बल बढ़ाने के लिए खरीद फरोख्त की है। हमने हमने जो भी किया, वो लोग जो भी आए हैं अपनी पार्टी से राज्यसभा के मेंबर चुने गए थे, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, राज्यसभा की मेंबरशिप छोड़ी है, फिर वापस चुनाव लड़ा हमारे टिकट से आ गए। ये भी करते वैसा, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते वापस आते ना छह लोग, तो पता लग जाता। नहीं तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं था, राज्यसभा का था वो। भौर जी हमारे सवाल आपसे है, अंदोला जी इनको कहो कि कर्नाटक में भी यही ज्ञान बांटे ना कि 12 जो विधायक कांग्रेस के समर्थन में आए थे उनको रिजाइन देना चाहिए, ये हम ही कह रहे थे उस समय, हम कह रहे थे ये बात, तब इनको तकलीफ हो रही थी। चिंता छोड़ो, आप केरल की चिंता करो, वो नहीं चला रहे, वो नहीं चला रहे। क्षेत्रीय दलों के लिए मुश्किल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है भंवर सिंह जी, जो खास करके छोटी क्षेत्रीय पार्टियां उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखो एक समय किसी भी देश में ऐसा आता है जो अभी भारत में आ रखा है और अभी इस तरह का माहौल बना हुआ है, इसमें बड़ी काम जो हामी में मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की रही कि उसकी खुद की मजबूती नहीं रहने से बीजेपी को उसका बेनिफिट मिला है। तो अगर कांग्रेस अगर मजबूती से अच्छे काम करती देश में तो आज भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आने का मौका ही नहीं मिलता। पिछले 5 साल में किया क्या इन्होंने, अगर आप देखेंगे तो किस आधार पर वोट मांगे, मजबूत कैसे होंगी, अपना वजूद कैसे बचाएंगे। अंदर केवल पुलवामा का कांड होने से नहीं, वो संघर्ष करके अपना वजूद बचाएंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है। ये एक समय आता है किसी भी देश के अंदर, आप देखेंगे हिटलर के वक्त जर्मनी में भी ऐसा समय आया था जब कुछ छोटे जो दल थे, छोटी पार्टियां थी, एक बार साइड में हो गई थी, जनता ने सोचा देश की जनता को जर्मनी में मिले, आज वो हिटलर का नाम भी नहीं लेती, हिटलर का कोई नाम नहीं रखता उस देश में किसी बच्चे का। तो वही स्थिति हमारे देश की भी आज हो रही है कि जो सपने भारत की जनता ने सजोए थे आज उसका सब विपरीत हो रहा है। देश में नौकरियां जा रही है, देश के अंदर सुरक्षा नहीं है, लोगों को मौत के द्वारा मारा जा रहा है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, आज केंद्रीय मंत्रियों पे बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, बेटी बचाओ पे नारा दे रही है। ठीक है, ठीक है, अवाना साहब जुड़ गए हमारे साथ, जोगिंदर सिंह अवाना जी से फिर से संपर्क हमारा बन गया है। अवाना साहब आपका एक बार स्वागत है फिर से। सर सवाल आपसे यही है, विधानसभा सत्र के दौरान एक विधायक ने कहा था कि बीएसपी में टिकट पैसा लेकर दिया जाता है, क्या कहेंगे, पैसा लेकर टिकट दिया जाता है, इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए हमारे एक व्यक्ति ने कहा था, राजेंद्र गुड़ा साहब का बयान मैंने जो देखा था, समस्त चैनलों पे चला था, लेकिन ये उनका निजी बयान है। मैं अपने दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने हमारी पार्टी या नीचे जो भी नेतृत्व है पार्टी का किसी को कोई पैसा टिकट के लिए नहीं दिया, और ऐसा घटिया आरोप भी मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे द्वारा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, ठीक है। माना जी एक सवाल मेरा है सर, तकनीकी खामी थोड़ी सी है, इस वजह से माफी चाहूंगा जी। जोगेश्वर जी, बीजेपी के पास एक बड़ा बैकअप जो है संगठन का है, बीजेपी के पास अमित शाह है, बीजेपी के पास बीपी नड्डा जैसे लोग हैं, कांग्रेस के अंदर ये जो शून्यता है, क्या मानते हैं कि बीजेपी के पास ये सबसे बड़ा माइलेज है? बहुत बड़े लोग भी, उनका नाम भी लिया करो, अडानी जी और अंबानी जी भी इनके साथ ही है। वो तो सर आप ही कह सकते हैं, मेरा कहने का हक नहीं, आप आरोप लगा सकते हैं, उस पर सवाल पूछ सकते हैं आप। जोगेश्वर जी नहीं बात ना, देश में फाइनेंस तो वही मेरे को एक आश्चर्य ये हो रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी खुद का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे खड़ी है, वो लोग कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की कर रहे हैं। तो भंवर सिंह जी सुनिए, एक बार सुनिए जोगेश्वर जी क्या कह रहे हैं, एक बार उनका पक्ष सुन लीजिए। केरल में बच्चे लो तो बहुत बड़ी बात है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, हर प्रांत में आगे बढ़ रही है, और संगठन का आधार हमारा बहुत मजबूत है, जनाधार बहुत मजबूत है। ये पहली बार ये हुआ है कि बहुमत से चुनी सरकार वापस बहुमत से आई है, और पॉजिटिव कारणों से आई है, नेगेटिव कारणों से नहीं आई है। इस बार नहीं जीती थी कांग्रेस, हारी थी, इस बार कांग्रेस नहीं हारी है, बीजेपी जीती है। ये पॉजिटिविटी जो आई है देश की राजनीति में वो बीजेपी के कामों के कारण आई है, बीजेपी की सरकार के कामों के कारण आई है, बीजेपी के संगठन की मजबूती
मजबूती के कारण आई है और बीजेपी की विचारधारा की स्पष्टता मजबूती के कारण आई है। दोगले विचार नहीं है हमारे, दोगली राजनीति हम नहीं करते। मुंह पे कुछ बोले पीठ पीछे कुछ बोले ये हम नहीं करते। जो कुछ है हमारे सामने साफ है, इसलिए हमारे वर्चस्व बढ़ रहा है जनता में। देश की जनता को धोखा देने वाले लोग बीजेपी के जो सत्ता के बाहर रहते हुए तमाम उन चीजों का विरोध करते हैं, आज उसको एफडीआई कॉन्ट्रैक्ट पर लगाओ। इसी पहलू पर जवाब लेंगे, जो आरोप आपने लगाया एफडीआई और इसके अलावा जो सारे मुद्दे थे, इसी पर जवाब लेते हैं। अबाना साहब से एक आखिरी सवाल लेते हैं। आनंद साहब, बीजेपी पर आरोप रहता है कि पैसा लेकर विधायकों की खरीद फरोख करती रहती है बीजेपी, सरकार गिरा देती है, आरोप लगते रहते हैं, लेकिन आज सीएम गहलोत ने भी इस पर बोला है, आप क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या है, पक्ष क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है तो आपको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो जरूर मुख्यमंत्री जी के पास सब चीजें आई होंगी, तो उनके संज्ञान में रहा होगा, तो आपको सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जोगेश्वर जी, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कर लीजिए। आनंद साहब, आपको बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के लिए, वक्त निकालने के लिए। जोगेश्वर जी, जी हाँ, डंकल ड्राफ्ट जब आया था इस देश में, उस समय कांग्रेस की सरकार को कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन दे रही थी, डंकल ड्राफ्ट का विरोध करते थे बाहर और अंदर जाके समर्थन देते थे, तब ये डंकल ड्राफ्ट और सारा कुछ देश में लागू हुआ, उसके बाद ये सारी बातें हो रही है, तो वो तो होनी थी। आप लोग बीज बो गए, वो पेड़ बड़ा हो गया, वो तो होना ही था। इसलिए ये सब और जो कुछ हमने किया है, जीएसटी किया तो भी बंदी किया है, इस देश के हित में किया है, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए किया है, काला धन समाप्त करने के लिए किया है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी लोग एक नंबर पे बिजनेस करना शुरू कर चुके हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जो लोग एक नंबर पे काम शुरू कर चुके हैं वो बहुत खुश है। रोज मेरी बात हो रही है, कल भी मैं बॉम्बे में था, व्यापारियों से मिला हूँ, बहुत खुश थे सारे लोग कि जो एक नंबर पे ठीक है। श्याम सुंदर जी, सवाल आपको है, आने वाले जो इलेक्शन है, खास करके जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, उसमें इसका क्या फर्क पड़ने वाला, ये जो बड़ा बदलाव दिखा है? देखिए आयुष जी, मेरा कहने का मतलब है कि आप देखिएगा, जो तारीख तय की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीख जो तय की, प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, उस दौरान आप अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, पूरे देश में आज खबर छपी है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की खबर भी छपेगी और ये खबर भी छपी है कि कांग्रेस मजबूत हो गई, 6-6 वापस आ गए। अब आने वाले समय में देखिए, नगर निगम के चुनाव होंगे और पंचायतों के चुनाव होंगे, तो इन्हीं सब से जनता के बीच में ये जाके कह सकेंगे कि देखिए, सरकार के अच्छे कामों के कारण हमारे बीएसपी के लोग शामिल हुए हैं, क्योंकि ये 6 विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से विधायक होने के नाते वहां पर शहरी निकाय में और पंचायत के चुनाव में ये निश्चित रूप से कांग्रेस का नुकसान कर सकते थे। निश्चित अगर बीएसपी के तौर पे ये रहते विधायक होते हुए तो नुकसान कर सकते थे, जिससे कांग्रेस को कुछ मजबूती तो निश्चित रूप से मिलेगी। ये बात तो उसमें दो राय नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी कह रही है कि हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आधे की विधानसभा के सत्र के दौरान ये कह रहे थे कि टूट रही है कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस में विघटन की स्थिति हो रही है, लेकिन अशोक गहलोत ने जो 6 लोगों को खुले रूप में अपने दल में विलय करा करके ये तो जता दिया कि मेरे पर विश्वास है, मेरे दल का नहीं बाकी के दल का भी है। अब आप बीजेपी कह दे कि इनके पास कौन से दल आने वाले हैं दूसरे, या ये प्रतिपक्ष और मजबूत कैसे कर सकते हैं, क्या कम्युनिस्ट पार्टी इनका समर्थन करेगी या बीटीपी समर्थन करेगी या बाकी निर्दलीय जो 11 लोग कांग्रेस के अशोक गहलोत के समर्थन में आए। तो एक बहुत स्ट्रेटेजी के तहत, क्योंकि शनिवार को मुख्यमंत्री जी ने 6ों को खाना खिलाया था घर पे, रात को स्ट्रेटेजी बनी, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इसकी भनक इतनी लग पाई जितनी लगनी चाहिए, उनको तो आज ही अपना बयान देना पड़ा कि ये बिना शर्त आए हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन शर्त तो निश्चित रूप से है, ये बिना शर्त और स्वार्थों की पूर्ति के लिए आए, क्योंकि ये बीएसपी में रह करके अशोक गहलोत को ब्लैकिंग ज्यादा कर सकते थे, उनसे कामकाज कराने में, कहते हम छोड़ के चले जाएंगे नहीं तो हमको ये काम करो, अब तो गुलाम हो गए, क्योंकि अब तो ये कांग्रेस के ही विधायक हो गए। अब अशोक गहलोत काम कराए नहीं कराए, क्योंकि इनकी मजबूरी, अब तो रहना है इनको, निश्चित रूप से मंत्री पद दिया जाएगा, उसमें दो राय नहीं है, और किसी को क्या और पद, यूआईटी चेयरमैन बनाया जाए या कुछ और दिया जाए, क्योंकि संसदीय सचिव को लेके तो विवाद है, सचिव बनेंगे नहीं बनेंगे ये कुछ कहना संभव नहीं, लेकिन मैं फिर कह सकता हूँ कि अशोक गहलोत ने अपने आला कमान को
ये दिखा दिया कि अशोक गहलोत अपनी पार्टी के लोगों पर नहीं रखता है शासन, बाकी के लोगों को भी अपने में विलय करा करके, अब क्योंकि स्पष्ट बहुमत हो गया इनके पास, पहले 100 थे अब 106 हो गए, 106 ज्यादा हो गए, तो अब किसी स्थिति में ये नहीं कि फ्लोर में कभी संकट, ये जो बीजेपी के लोग बार बार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत कमजोर था, अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा था इसलिए लेके आए, कि कांग्रेस में देखिए ऐसा इसलिए महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो सो तो थे बीजेपी कांग्रेस के, एक आरएलडी वाला सुभाष गर्ग उनके साथ 101 तो थे ही, अब इनके पास आने, ठीक है सर। अजय जी मेरा सवाल आपसे है, क्या इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट पे अगर हम समझने की कोशिश करें, आने वाले जो तीन राज्यों के चुनाव है, खासकर के हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में असर पड़ सकता है इन केस, हालांकि तीनों राज्यों में बहुमत की तरफ या फिर मजबूत स्थिति बीजेपी की दिख जरूर रही, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दोनों पार्टियां जोड़ तोड़ की सियासत में सक्रिय हो चुकी हैं। अब क्या है कि देखो तीन राज्यों का जो चुनाव है, चुनाव में तो बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा। देखो ये जो चुनाव है, मैं कई लंबे कई बार कह चुका हूँ, ये जो चुनाव है, ये चुनाव राज्यों के चुनाव भले ही हैं लेकिन राज्यों के मुद्दों पर नहीं लड़े जाएंगे, ये अनुच्छेद 370 और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, उनके चेहरे मोहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी यहाँ पर अपर हैंड दिख रही है। अभी आने वाले टाइम पे जब चुनाव की घोषणा होगी, क्या मुकाबला होगा, कैसे टिकट बटेंगे, उसका क्या कहना अभी फिलहाल ऊपर है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है, अशोक गहलोत का कद बड़ा है केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में, उन्होंने अपने को एक जो कहते हैं उन पे एक जादूगर हैं, उन्होंने अपने जादू का एक कमाल दिखाया है कि मतलब उन्होंने देखिए उनके साथ ये उनकी जो काम करने की जो तरीका है उसमें बिल्कुल पक्की बात है कि दायां हाथ क्या कर रहा है बाएं को नहीं पता चलता, बायां क्या कर रहा है दाहिने को पता नहीं चलता। तो अभी जो श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि ठीक बात है, वो सचिन पायलट को भी नहीं पता लगा होगा कि क्या होने जा रहा है, तो ये देखिए अनुभव यही चीजें कराता है, अनुभव सिखाता है। और अगर कांग्रेस पर अगर आरोप लगाते हैं कि आपने दल बदल करा दिए, तो देखिए बीजेपी ही इसके लिए जिम्मेदार है, बीजेपी ने पिछले 4-5 साल में जो कुछ किया दल बदल की राजनीति को बढ़ावा दिया, हालांकि दल बदल का मामला आज से नहीं है, लंबे समय से चल रहा है। भैरव सिंह शेखावत जी ने भी जब 1998 में जब 1993 में जब उनके पास भी 95 लोग आए थे मेरे ख्याल से, हाँ 95 आए थे, उन्होंने भी जोड़ तोड़ करके पूरी सरकार 5 साल चलाई थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो मेरा मानना है कि अब ये सरकार को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे कम से कम राजस्थान की सरकार को मजबूती मिली, अब इसमें बीजेपी बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं। हालांकि बीजेपी जिस नीति पे चल रही है, जिस जो रास्ता बीजेपी ने पकड़ा हुआ है, वो जब चाहे जो चाहे करा सकती है, हर तरीके से पावरफुल है। और अब आने वाले तीन राज्यों के चुनाव परिणाम अगर कांग्रेस कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी का बीजेपी फिर अपनी कोई सी भी नीति अपना सकती है, कोई भी जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी फिलहाल हाल फिलहाल कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी, गहलोत का कद बड़ा है कि दिल्ली के कांग्रेस के ओल्ड गार्ड से एक बार फिर जिंदा से हो गए क्या, कि कमलनाथ ने एक बार वो अपनी साख साबित की। मैं आपको इस बारे में एक बात बता दूं कि सोनिया गांधी अपने पुराने लोगों पे ही ज्यादा भरोसा कर रही हैं, उनके साथ थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अभी राहुल गांधी अपने जो उनके टाइम के युवा चेहरा उन्होंने जो प्रयोग करे थे उनको वो जल्दी विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं उनको अभी चलने दिया जाए। सोनिया वहाँ कांग्रेस के आला कमान में भी थोड़ा सा ये घिटपिट चल रही है, सोनिया गांधी चाहती हैं कि भाई अभी ये मौका नहीं है हम लोगों को प्रयोग करने का या किसी प्रकार का टकराव लेने का राज्यों में, अभी ये कोशिश है कि जो मुख्यमंत्री है उनको हर ताकतवर बनाया जाए, उनको ताकत दी जाए, जिससे कि सरकार कांग्रेस के सामने चुनौती सबसे बड़ी यही है कि वो सरकारें चलाए और अच्छी सरकारें चलाए, जिससे कि आने वाले टाइम पे जब भी कांग्रेस कोई चुनाव लड़े तो एक उदाहरण तो दे कि हमारी सरकार वहां पे ये काम कर रही है। जैसे कि आज ये कहा जा सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बीजेपी की नाकामियों की वजह अपनी उपलब्धियां गिना सके, आज हरियाणा में खट्टर जो भी कहें, खट्टर साहब के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, वो कह सकते हैं आज खट्टर वहां पर भी उतने पॉपुलर हैं जितना नरेंद्र मोदी पॉपुलर हैं। तो कहने का मतलब ये कि कांग्रेस की सरकारों को और मुख्यमंत्रियों को कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिससे का उनका उदाहरण दिया जा सके। भंवर सिंह जी सवाल आपसे, मजबूत विपक्ष मजबूत लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी होता है, हमने ये डेफिनेशन हर बार पढ़ा है, राजस्थान के लिहाज से कितना अहम हो जाता है ये जो 6 विधायक ट्रांसफर हुए हैं?
विपक्ष तो मजबूत रहना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर सरकार से काम कराने हैं तो मजबूत विपक्ष की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई है, अभी आप देखो पार्लियामेंट्री कमेटियां बनी है, जहां हमेशा विपक्ष के नेता उसके प्रेसिडेंट होते थे, अब की बार बीजेपी के प्रेसिडेंट बनाए गए चला करके। विपक्ष को महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं लोकपाल नहीं बनाया जा रहा है। बातें बहुत बड़ी की लोकपाल के लिए, लेकिन मोदी जी ने लोकपाल की नियुक्ति भी नहीं की। वो सर जो एक स्वच्छ पारदर्शिता की बात करते हैं, उन्होंने चुनाव के अंदर आपने देखा बॉन्ड के जरिए पूंजीपतियों से पैसा ले रहे, सीख रहे सीधे। एक तरफ वो कह रहे थे पूंजीपतियों को पता होना चाहिए कौन किसको पैसा दे रहा है, अब वो बॉन्ड के जरिए उन्होंने कानून बना दिया। तो देश में ये जो चल रहा है, इससे विपक्ष को जो ये दबाव बना रहे वो ठीक नहीं है, और ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। और अभी जो बदले की भावना, जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये जो कार्रवाई लगातार चल रही है विपक्ष, ठीक है मेरे सवाल योगेश्वर जी आपसे, क्या जो लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होगा, या फिर मनोबल हमेशा की तरह हाई रहेगा? तीनों राज्यों में पहले से अधिक बहुमत लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जारी है, निश्चित रूप से कोई रोक नहीं सकता। राजस्थान में जो इलेक्शन होने वाले हैं निकाय चुनाव के, राजस्थान सरकार जो गहलोत सरकार है, राजस्थान में गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल है, विकास के सारे काम ठप पड़े हैं, बिजली का बिल हम नहीं बढ़ाएंगे ये प्रॉमिस किया था और बिजली के बिल बढ़ गए हैं, और इस तरह के और कई सारी बातें हैं, कर्ज माफी में भी बिल्कुल फेल गए हैं, और काश्तकारों को लोन नहीं मिल रहे हैं वापस। इस सारी परिस्थिति में आने वाले नगर निकाय चुनाव में और उसके बाद पंचायत समितियों के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। बीएसपी अपने आप को जिंदा कैसे करेगी, खास करके उत्तर प्रदेश में हमने देखा वोट बैंक ट्रांसफर हुआ था समाजवादी पार्टी का, उसका फायदा थोड़ा सा मिला, लेकिन बाकी राज्यों में बीएसपी का जनाधार खत्म हो रहा है, विधायक साथ छोड़ते जा रहे हैं, बीएसपी खुद का वजूद कैसे बचाएगी? नहीं, मैं देखो मैं ये बात तो मैं बराबर कह रहा हूँ, लगातार जितने चुनाव अब तक हुए हैं जो बातें हुई हैं, मैं बराबर इस बात को कह रहा हूँ कि अब रीजनल पार्टियों के लिए बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। अब आपको दो विचारधारा में से एक विचारधारा चुननी पड़ेगी, और मेरा मानना है देश हित के लिए भी अच्छा है, बहुत कुछ अब रीजनल पार्टियों के लिए बचेगा नहीं आने वाले टाइम पे जो चुनाव है, और जो चुनाव लगातार होते जाएंगे आपको ये धीरे धीरे जब रिजल्ट आएंगे साफ पता चलेगा कि अब दो विचारधाराओं में देखिए इससे कांग्रेस को फायदा होगा। अगर रीजनल पार्टियां खत्म होती हैं, रीजनल पार्टियां समाप्त होती हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा, और ये कांग्रेस के हित में भी है। रीजनल पार्टियों का जब से जन्म हुआ तब से कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान हुआ, जिस प्रदेश बहुमत नहीं मिला तब से, जिस प्रदेश में कोई तीसरा मोर्चा या तीसरा दल पनपा है वहां कांग्रेस खत्म हुई है। आज दिल्ली में देखिए केजरीवाल जब से आए हैं दिल्ली में कांग्रेस का कोई पता ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस कहाँ है किसी को नहीं पता, बिहार में कांग्रेस कहाँ है किसी को नहीं पता, केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी से है, तो वहीं पे कांग्रेस है। तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है कि अगर रीजनल पार्टियां धीरे धीरे अगर खत्म होती हैं, और अब जहां तक मैं कह रहा हूं मायावती को अब ये उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव है, और उसके बाद जो अगला विधानसभा चुनाव जब होगा 2022 में, उसके बाद साफ पता लग जाएगा कि मायावती कहाँ है और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कहाँ है। सियासत का तरीका भी बदलना पड़ेगा या फिर बदलना खत्म हो जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, आप नेता पैदा करें अपनी पार्टी में। आज समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, मायावती सब कुछ है, मायावती सर्वोपरि है, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए परिवारवाद की राजनीति आज के दिन में हमारे देश में अब उसको जनता पसंद नहीं कर रही है। आपको कुछ अपने अलग तरीके का काम करके दिखाना पड़ेगा, जनता के साथ जुड़ाव करना पड़ेगा, जिसमें बीजेपी अभी काफी आगे चल रही है। ठीक है श्याम सुंदरी जी, राजस्थान में इसका असर क्या पड़ेगा, जो 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं बीएसपी से टूटकर, इसका असर निकाय चुनाव के लिहाज से और आने वाले वक्त के हिसाब से कितना असर देखा जाएगा? देखिए मैं आयुष में बार बार कह रहा हूं, क्योंकि 6 विधायक कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस की मजबूती तो आएगी, और अशोक गहलोत को कामकाज करने की जो आजादी अब तक नहीं मिली थी इनके बाद मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत के अनुरूप मंत्रियों का विभाग भी मिलेगा और बाकी चीजें भी आएगी, और आने वाला जो चुनाव होगा, देखिए दो उपचुनाव भी होने हैं विधानसभा के, और उसके बाद शहरी निकाय के और फिर
आपके पंचायत के चुनाव में निश्चित रूप से इसमें इजाफा ही होना है, मजबूती मिलेगी कांग्रेस को। और ये कहना कि अभी योगेश्वर जी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस मजबूत होकर के कहने की स्थिति में आ जाएगी आम लोगों के सामने कि देखिए सरकार अच्छे निर्णय कर रही है, इस कारण बीएसपी विलय हुई है। तो विलय होने का मतलब अशोक गहलोत निश्चित रूप से आने वाले राजनीति में कांग्रेस में तो ताकतवर होंगे, बाकी बीजेपी भी उनको मानने लगेगी कि ये कुछ भी कर सकते हैं अंदर से। चलिए अब सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बड़ा पहलू जो सबसे निकल कर सामने आया है कि अशोक गहलोत का कद और उनकी शख्सियत इन छह विधायकों से और मजबूत हो गई है, सरकार तो साथ में मजबूत है ही, इसके अलावा बीएसपी के वजूद पर लगातार जो खतरा मंडराता रहा है वो खतरा और बढ़ रहा है बीएसपी के लिए। चर्चा में इतना ही, इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी।